संख्या बता रहा है, संख्या संख्या ये संख्या संख्या तो बात है, लेकिन किसके कितने हिस्से में कितनी, भारत सरकार में राज्य सरकार में ये पक्का होना पड़ेगा। ये जनगणना का कोई मतलब नहीं, इसी भाषा से हम लोग हम चाहते थे कि एक्सरे होना, लोग कह रहे हैं जातपात में होना चाहिए, तो उसके लिए मुकदमे जवाब हो जाए कि कैसे जातपात किसने कौन ने जातपात उस जनगणना कराने के पीछे भाषा द्वारा सबसे ज्यादा है। आज भी आपसे यह कह रहा हूं कि जनगणना का मतलब ये बताना है, ये बताना है कि किस समूचे भारत सरकार को जो नौकरियां है चीफ सेक्रेटरी से लेकर के नीचे तक चला सकते किस जात की कितनी, याद रखना जब सच आदमी को नहीं पता चलता है और सच आदमी अपनी जगह नहीं पहचानता तो बोलता है। हमारी मुश्किल यही है जात मसलों के हिंदी में चलते और इसलिए शब्दाश करके हमारा अब ऊपर जो लोगों को इशारा कर रहे हैं हम अपने भीतर जो है वो इंसान करने का नहीं कह रहे तो संख्यावादी जातियां है तो छोटी जातियां को भी समझा दिया जाता
मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब हैं, शूद्र हैं, कुछ हैं, वो जितनी जात को जमा कर बदलेंगे उतना ही उनका आपका हम ये आप दिल्ली से नहीं समझोगे तो दिल्ली से कैसे समझ आएगा। और ये जनगणना का उसका कानून है, मेरी एक ही विनती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर तो बहस हुई है, उस पूरी बहस को निकाल दो और जिस जगह के लिए आपको इस आंदोलन को चलाना है तो उस जगह को पूरी पार्लियामेंट को जातियों का
सीढ़ी बनाकर के जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के हर कदम को रोकने का काम तू करता है, तो तुम्हारा समाज कुछ अच्छे काम भी करता है, लेकिन सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए जो विशेष अवसर प्रदान किया है उसे वो लगातार बराबर। ये क्रिमिनल है जनगणना के साथ बीतने को इसे हटाना, ये संविधान विरुद्ध है। फिर संविधान जो अलग क्या कहते हैं जुडिशरी है, इसमें भारतीय समाज का सत्तर में चेहरा को करने छोड़ना चाहिए। ये हकीकत भारतीय समाज की वो उसमें जाना चाहिए, इसकी लड़ाई इसमें करो। एक मुद्दे पर बात करो, एक मुद्दा इंजन बना लो, सब मुद्दे लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। विकट परिस्थिति है, क्यों नौ हो दलित होते हैं जो सबसे ज्यादा लाचार बेहद से अन्याय जुर्म आते कदम कदम पर अन्याय के साथ हुआ है। उन्होंने 9 अगस्त को पद का आभार इसका जात के अनुसार